आपको भी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बांग्लादेश जाना है और अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एमबीबीएस इन बांग्लादेश के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें 4-5 साल पहले की, तो एमबीबीएस के लिए बांग्लादेश में बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और यूपी के स्टूडेंट्स जाया करते थे। लेकिन दूसरे स्टेट्स की बात करें तो जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और साउथ इंडियन स्टेट्स हो गए, ये स्टेट्स में से इंडियन स्टूडेंट्स बांग्लादेश में एमबीबीएस के लिए अपनी चॉइस नहीं करते थे या तो वो इंटरेस्ट शो नहीं करते थे। लेकिन अब 2-3 साल में पूरा सिनारियो चेंज होता दिख रहा है और दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी बांग्लादेश में एमबीबीएस के लिए अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, इंक्वायरीज कर रहे हैं और एडमिशन भी ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, क्यों पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स अब बांग्लादेश को अपनी एक चॉइस बना रहे हैं और क्यों इंडिया में एमबीबीएस इन बांग्लादेश ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला रीजंस ये है कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ से एमबीबीएस करके आया उन्होंने एफएमजी की एग्ज़ाम लिखी और एफएमजी का पासिंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा एफएमजी का पासिंग रेशियो दिख रहा है। तो एक ये रीज़न है जिसके वजह से दूसरे अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स भी अभी बांग्लादेश में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। आइए देखते हैं और भी क्या रीजंस हैं जो बांग्लादेश में इंडिया के सिमिलर है। अगर देखा जाए बांग्लादेश का एजुकेशन ड्यूरेशन तो ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडिया का है। इंडिया में जो एमबीबीएस का कोर्स होता है वो 4.5 इयर्स का होता है और 1 साल का इंटर्नशिप है, तो टोटल 5.5 इयर्स का इंडिया में एमबीबीएस का कोर्स है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर 5 साल का एजुकेशन एमबीबीएस का प्रोग्राम है और 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप है, तो टोटल वहाँ पर 6 साल है, इंडिया में 5.5 साल है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ड्यूरेशन है। अब आइए देखते हैं कि सिलेबस पैटर्न। सिलेबस तो ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडिया है। इंडिया में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं 19 सब्जेक्ट होते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई में, इंडिया में वही 19 सब्जेक्ट आपको बांग्लादेश में भी पढ़ने हैं। आपको बांग्लादेश में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट अलग से पढ़ना नहीं होगा जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है या तो इंडिया में पढ़ाया नहीं जाता, तो वहां पर भी आपको 19 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं जो आप इंडिया में पढ़ेंगे। तो सिलेबस भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया के एट पार है या इंडिया जैसा ही है। अगर बुक्स की बात करें तो इंडिया में जनरली इंडियन ऑथर्स के स्टूडेंट्स बुक प्रेफर करते हैं और कुछ फॉरेन ऑथर्स की भी बुक है जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वही बुक इंडियन स्टूडेंट्स बांग्लादेश में भी रेफर करते हैं और वहाँ के बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स होते हैं एमबीबीएस के वो भी वही बुक रेफर करते हैं। तो बुक्स भी सिमिलर है, जो इंडिया में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वही बांग्लादेश में पढ़ते हैं। तीसरी बात करते हैं कि हॉस्पिटल्स। इंडिया में एक रूल है कि अगर आप कोई मेडिकल कॉलेज ओपन करना चाहते हैं तो पहले एक हॉस्पिटल आपको बनाना पड़ेगा, एक हॉस्पिटल होगा आपके पास, तभी आप मेडिकल कॉलेज को ओपन कर सकते हैं। वही रूल बांग्लादेश में भी है। अगर बांग्लादेश में आपको कोई मेडिकल कॉलेज ओपन करना है तो सबसे पहले आपको एक हॉस्पिटल अटैच होना चाहिए। तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि वहाँ हॉस्पिटल अटैच्ड होता है। और आगे अगर बात करें डिसीज पैटर्न की, बीमारियों की पैटर्न की, तो इंडिया का जो वेदर है, इंडिया का जो टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर और वही वेदर आपको बांग्लादेश में मिलेगा। तो बांग्लादेश में भी जो बीमारियों की पैटर्न है वो इंडिया के सिमिलर ही बीमारियों की पैटर्न है। इंडिया में ज़्यादातर एयर बॉर्न डिसीज होते हैं एंड वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं, जो इन्फेक्शियस बीमारियाँ होती है सीजन्स में, तो वही पैटर्न आपको बांग्लादेश में मिलेगा। बांग्लादेश में भी ज़्यादातर जो इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं वो एयर बॉर्न डिसीज होते हैं एंड वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं। तो एक पैटर्न जो बीमारियों की इंडिया में है वही पैटर्न आपको बांग्लादेश में मिलेगी। तो बीमारियां भी सिमिलर है, जो आपको इंडिया में प्रिवेलेंट है, ज्यादातर बीमारियां जो इंडिया में है वही बीमारियां बांग्लादेश में भी है। दूसरी बात अगर करते हैं ट्रीटमेंट की,
तो जो ट्रीटमेंट इंडिया में फॉलो होती है, जो गाइडलाइन इंडिया में फॉलो होती है, वही ट्रीटमेंट की पैटर्न बांग्लादेश में भी फॉलो होती है और वही गाइडलाइंस ट्रीटमेंट की बांग्लादेश में फॉलो होती है। मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में जो मेडिसिन ज़्यादातर यूज्ड होती है, जो कंपनियाँ इंडिया में हैं, जैसे ग्लेक्सो हो गया, फाइजर हो गया और बहुत सारी इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उसकी मेडिसिन इंडिया में यूज्ड होती है, तो वही मेडिसिन बांग्लादेश में ज़्यादातर यूज होती है और ईजिली मिल जाती है। बांग्लादेश में भी ग्लेक्सो कंपनी हो गई, फाइजर कंपनी हो गई और बहुत सारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दवाई भी आपको बांग्लादेश में मिल जाती है। तो दवाइयाँ भी सिमिलर है, डिसीज़ की पैटर्न भी सिमिलर है, ट्रीटमेंट की पैटर्न भी सिमिलर है, तो आपको जो वहाँ पर एक्सपोजर मिलेगा वो एक्सपोजर और वो एक्सपीरियंस आपको इंडिया में भी काम आएगा। इंडिया में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है, तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। तो दोस्तों कुछ ये रीजंस थे जिसकी वजह से MBBS इन बांग्लादेश अभी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो दोस्तों आपको भी MBBS की पढ़ाई के लिए बांग्लादेश जाना है और अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम बांग्लादेश के बारे में डिटेल्स बताएंगे और वहाँ की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके बारे में डिटेल्स वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी पिछले 12 सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को अब्रॉड में अलग अलग कंट्रीज में MBBS के लिए भेजती हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में आके सेटल्ड हैं और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।